क्या आप लोग भी इलेक्ट्रिशियन का काम न्यूजीलैंड के अंदर करना चाहते हैं? अगर न्यूजीलैंड के अंदर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम करना होता है, उसके लिए आपको चाहिए होता है एक्सपीरियंस या फिर आपके पास कोई रिलेवेंट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस वगैरह, आप काम करते हो इंडिया के अंदर किसी और कंट्री के अंदर, तो एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग आप न्यूजीलैंड के अंदर इलेक्ट्रिकल की जॉब, इलेक्ट्रिशियन की जॉब ले सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो आप साल 6 महीने इंडिया के अंदर या कहीं और लगा के आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हो और उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हो। न्यूजीलैंड के अंदर जॉब अप्लाई करने का या इलेक्ट्रिशियन का काम करने का बेनिफिट ये क्या है कि इंडिया के अंदर अगर आप 20 से 30 हज़ार रुपये कमाते हो, वहीं पर आप न्यूजीलैंड के अंदर कम से कम अगर बात करूं तो आप 3 लाख रुपए महीने का कमाओगे। इसके अलावा और ज्यादा बेनिफिट वगैरह भी मिलने वाले हैं। और ये जो स्किल्ड जॉब होती है, इसको एक हिसाब की स्किल्ड जॉब बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर हो गया, कंस्ट्रक्शन की लेबर की होगी, ये सारी स्किल्ड कैटेगरी की जॉब्स आती है। इनके अंदर आपको PR और सिटीजनशिप भी बहुत जल्दी मिलता है ना, ये सबसे बेस्ट वे माना जाता है। अगर आपको स्किल्ड का कोई काम आता है तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इन जो फील्ड है या ये जो फील्ड है या फिर ये जो जॉब्स है, इनके लिए वहाँ पे कोई उनको कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो पोस्ट वगैरह सारी ये ऑलवेज खाली रहती है। इनके लिए कोई उनको एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है वो बंदे नहीं मिल पाते, तो इस वजह से ये खाली रहती है। और ये मतलब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को भी इन लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है एनी टाइम। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी किसी के पास इस तरीके की कोई स्किल्ड जॉब वगैरह अगर करता है, तो हम उसको जल्दी PR वगैरह का ऑप्शन भी देंगे, और साथ ही और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो अभी आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब किस तरीके से सर्च करनी है और कैसे अप्लाई करनी है वो आपको दिखाता हूँ मैं चल के। जॉब अप्लाई करने के लिए आपको CV और कवर लेटर चाहिए। CV कवर लेटर के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो कि आपका एक बेस्ट वर्ल्ड क्लास CV बनेगा। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह तो उसके अकॉर्डिंग आपका CV कवर लेटर बन जाएगा। तो चलिए साइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ आपको किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल है, क्या वेज मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करनी हो डायरेक्ट। साथ ही आपको जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ की, उनकी इस वेबसाइट पे लेके वहाँ पे करियर का ऑप्शन है, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिंक्डइन पे आ चुका हूँ। अगर यहाँ पे देखो तो लगभग 73 जॉब्स दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन की है, जो भी सारी इलेक्ट्रिशियन की है वो जो है TVNZ कंपनी के अंदर है, ऑकलैंड के अंदर है ये। और जो सेकंड नंबर पे आती है वो इलेक्ट्रिशियन वांटेड इमीडिएट स्टार्ट ट्रेड स्टाफ कंपनी है, वहाँ पे ये जॉब आपकी, और ओटेगो के अंदर है ये, इसका लोकेशन आप देख सकते हो। फिर आता है इंडस्ट्रियल साइट इलेक्ट्रिशियन, और ये नीचे कंपनी का नाम आ गया टेलीज लिमिटेड के अंदर है, ये भी मालबर्ग न्यूजीलैंड के अंदर है। फिर नीचे इस तरीके से आप देख सकते हो FSCO न्यूजीलैंड लिमिटेड के अंदर है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की जॉब है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती है। तो अब अपन आ चुके हैं सिक वाली साइट पे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लगभग देखो 2600 जॉब्स अभी अवेलेबल दिखा रहा है, खाली इलेक्ट्रिशियन की जॉब है ये, और भी बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आपको दिखाता रहेगा ऐसे। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मैनेजर, ये मालबर्ग लाइन्स के अंदर कंपनी है ये, और ये इसका एड्रेस वगैरह है नीचे, ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस, ग्रेट प्रोजेक्ट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको मतलब क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। फिर आता है रजिस्टर्ड सर्विस इलेक्ट्रिशियन, ओटेया इलेक्ट्रिक ऑकलैंड लिमिटेड के अंदर है, ये कंपनी का नाम है जो नीचे आ रहा है। जैसे कमर्शियल इलेक्ट्रिशियन, एक दिन पहले ही जॉब पोस्ट करी गई है। ग्रामर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अंदर है ये, ऑकलैंड, और इसका जो वेज आपको मिलेगा $50 से $60 पर आवर मिलेगा। ये आपको स्टार्टिंग की है, जैसे जैसे आपका काम करते रहोगे, एक्सपीरियंस वगैरह और ज़्यादा होगा आपको, उस हिसाब से आपका पे वगैरह और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप डेली मतलब घंटे के $150-$200 कमा सकते हो इस टाइम पे। तो क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन वांटेड, एक दिन पहले करी गई है, इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर है ये जॉब। फिर क्या था, एयरक्राफ्ट ट्रेड पर्सन इलेक्ट्रिकल, एक दिन पहले ये पोस्ट करी गई है, इसकी भी लगभग $41 आपको पर आवर के हिसाब से यहाँ पे बता रखा है। बाकी जब भी आपको जॉब ऑफर लेटर मिलता है उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी मेंशन रहती है कि आपको कितने घंटे काम करना है, क्या सैलरी वगैरह रहेगी, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन रहती है कि आपको खाना वगैरह फूड वगैरह मिलेगा नहीं। कुछ कंपनी जैसी होती है जो आपको अकोमोडेशन फूड फ्लाइट वीज़ा सारा कुछ आपका करवा के देती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो नहीं देती है आपको। तो ये अब अभी देखो ना, इलेक्ट्रीशियन न्यूजीलैंड रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस, 3 दिन पहले पोस्ट करी गई, AB इलेक्ट्रिकल कंपनी का नाम है, और इसके अंदर जो $40 से $45 पर आवर आपको मिलने वाला है, प्लस वीकली परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड ब्रांड रेजिडेंशियल सर्विस एंड EV चार्जिंग सॉल्यूशन, और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, 40 आवर पर वीक आपको काम करना है, ग्रेट हावली रेट आपको इस हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। अब मैं 2-3 कंपनियां बड़ी बड़ी उनकी साइट पे लेके चलता हूँ ऑफिशियली, वहाँ दिखाता हूँ आपको जॉब्स वगैरह। तो अभी मैंने आपको पीछे दिखाई थी ना, जैसे टेलीज वाली टेली कंपनी आप देख सकते हो आ चुकी है। इसके ऊपर क्या, हायरिंग नाउ, वी आर हायरिंग नाउ फॉर वेरियस शिफ्ट, 8 आवर फैक्ट्रीज अराउंड द कंट्री, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, ये
मोतेका ओनली अवेलेबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। इस तरीके से आप कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्या क्या है वो अगर अपन अभी देखेंगे, आप यहाँ पे सर्च वगैरह भी कर सकते हो। सबसे पहले जो जॉब आती है वो आती है हार्वेस्ट सीजन ड्राइवर की जॉब आती है, फिर डीप सी करियर की जॉब आती है, फूड प्रोसेस वर्कर्स मोतेका के अंदर यही है, और फूड प्रोसेस वर्कर्स बेलिनिम के अंदर है, और उसके बाद फूड प्रोसेस वर्कर्स हेवलॉक के अंदर है, फूड प्रोसेस वर्कर और ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की जॉब यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल मिलेगी इस जॉब के बारे में। फिर जैसे कि आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन और ब्रांच है ये मोतेका के अंदर। कैटेगरी आप इसकी देख सकते हो, जॉब टाइम फुल टाइम रहेगा, क्लोजिंग डेट्स जून 16 है, उससे पहले पहले आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नीचे अगर आप इसके बारे में देखो तो यहाँ पे सारा बता रखा है, अबाउट टेलीज अबाउट द रोल, आपका क्या रोल रहेगा इसके अंदर, क्या करना है नहीं करना। एज एन इलेक्ट्रीशियन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब आप एक इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी पर होते हो तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबल होगी, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हु आर यू, आपका जो क्या है मेन, फॉर दिस रोल यू विल नीड, आपको इस रोल के लिए क्या चाहिए, EWRB रजिस्टर्ड एंड हैव ए करंट प्रैक्टिसिंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 2 ईयर से भी ज़्यादा का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नीचे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सारी चीज़ें बता रखी है, आपको क्या चीज़ आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब भी इंटरव्यू वगैरह दो आप वहाँ पे अगर काम करोगे, काम आपको देगा तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। एप्लीकेंट्स मस्ट बी लीगली इंटिटल्ड टू वर्क परमानेंटली इन न्यूजीलैंड, ये आप यहाँ पे देख लेना। मैं इसके अभी क्लिक करके बता देता हूँ आपको अप्लाई नाउ पे किस तरीके से होगा। अगर ऐसे करोगे ना अप्लाई नाउ पे तो यहाँ पे ऑप्शन है आई एम इंटरेस्टेड, आप इसको कर सकते हो यहाँ से, और फिर अप्लाई विद इंडीड, आप इंडीड की साइट से कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मल डिटेल वगैरह अपना डाल के यहाँ पे फिर रिज्यूम आपको डालना है जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। बिल्कुल सिंपल सा होता है अप्लाई करना। अब जो अपनी सेकंड कंपनी है वो है grammarelectrical.co.newzealand। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाओगे तो आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको दिखेगी ओपन पोजीशन। सबसे पहले इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, फिर मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन की है, अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, प्लम्बर की भी है यहाँ पे। अगर प्लम्बर की जॉब पे मैं आपको क्लिक करके बताऊं तो आप डायरेक्ट देखो यहाँ से कर सकते हो अपना अपलोड रिज्यूम, आप जिसको CV बोलते हैं। CV कवर लेटर बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप मेरे से भी बनवा सकते हो, खुद बना सकते हो, किसी और से भी बनवा सकते हो। इसके बारे में अगर बात करूं जैसे अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, आपको क्या क्या करनी है, प्लम्बिंग का काम करना है, जैसे फुल टाइम पोजीशन होगी आपकी, दिस इज ए फुल टाइम रोल जो कि 40 आवर आपको पर वीक मिनिमम काम करना पड़ेगा, और विद एन रेट ऑफ देख सकते हो आप $56 आपको पर आवर का मिलने वाला है यहाँ पे, प्लस GST वगैरह भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। इन्वॉल्व क्या क्या रहेगा जॉब के अंदर आपको, और क्या क्या इनको चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी। नीचे ईमेल और मोबाइल नंबर है, ऊपर भी इनका नंबर आ रहा है, कॉल ना हो आप देख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो आप इनसे पूछ सकते हो। तो मैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ आपको, फुल टाइम रहेगी इसके अंदर, 40 आवर पर वीक आपको काम करना है, और इसके अंदर जो वेज मिलेगा $52 प्लस GST वगैरह ये आपको मिलने वाला है पर घंटे का। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप ऊपर अपना रिज्यूम अपलोड कर दो, CV और नीचे ईमेल मोबाइल नंबर और अपना नेम, बस इतना ही करना है, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इस तरीके से अप्लाई कर देना है। नीचे अगर आप देखोगे तो 1 ईयर मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आती होनी चाहिए, है ना, तो आपको अच्छे से काम करने का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बस वही जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो आपसे पूछेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये आप देख सकते हो, इस कंपनी की साइट के थ्रू भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। ये कंपनी है बड़ी वहाँ की एक, जो कि इलेक्ट्रीशियन फील्ड के अंदर काम करती है। अब जो अपनी लास्ट है वो आती है वन स्टाफ कंपनी, ये भी बड़ी कंपनी है वहाँ की, वन स्टाफ वर्किंग एज वन, है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इस वाली पे मैंने करियर का ऑप्शन पे ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ, तो अगर आप देखोगे तो सिटी के हिसाब से इसने जॉब बता रखी है, जैसे ऑकलैंड के अंदर कितनी जॉब है, मैनुकू सिटी के अंदर कितनी है, फ्रैंकलिन, सारी सिटी के अंदर इसने जॉब यहाँ पे मेंशन कर रखी है। नीचे जाओगे तो आपको जैसा कि देख सकते हो रीसाइकिलिंग सॉर्टर, उसके बाद ड्राइवर की जॉब है, असेंबली असिस्टेंट की जॉब है, असेंबली असिस्टेंट सिविल लेबर की जॉब आ गई, और इस तरीके से अगर आप देखोगे ये सारी इस कंपनी के अंदर जॉब है, जाकि अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन लेबर आ गया जैसे कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन लेबर रिक्वायर्ड फॉर 3 डेज ए वीक ओवर द स्पेस ऑफ ए मंथ स्टार्टिंग एसआप, यू विल असिस्ट विद जनरल साइट क्लीनअप, वो $25 पर आवर का आपको मिलने वाला है, साइट सेफ रिक्वायर्ड। और इसके बाद अगर नीचे आओगे तो आपको और भी यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स है जो कि पता चलती रहेगी आपको। इलेक्ट्रीशियन की जॉब भी मिलेगी नीचे, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। इंस्टॉलेशन आ गया जैसे फोर्कलिफ्ट की, इनको जुड़ते हैं, लोडर की है, असेंबली असिस्टेंट आ गया, है ना, इवेंट्स लेबरर आ गया, पिक पैकर की आ गई, गार्डनर की आ गई, यार्ड पर्सन की आ गई। तो फिर इस तरीके से आप दूसरी सिटी के अंदर जॉब भी सर्च कर सकते हो यहाँ पे, जो जो जॉब्स अवेलेबल है इस कंपनी के अंदर, ये पूरी न्यूजीलैंड की बड़ी कंपनी है एक, तो यहाँ पे बता देगा। और बाकी ये ऊपर नंबर है, यहाँ से भी डायरेक्ट आप इनको कॉन्टैक्ट वगैरह करके कुछ आपको पूछना है, कुछ दिक्कत है तो आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देख लो,
तो इस तरीके से ना मैं आपको ये एक बात बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी, जैसे सिक वगैरह है और भी बहुत साइट्स है, अगर वहाँ पे आप जॉब अप्लाई करते हो ना डायरेक्ट वहाँ पे मत करो, वहाँ पे भी करो, ऐसा नहीं बोलता कि मत करो, वहाँ पे भी करो। वहाँ से क्या है, डायरेक्ट कंपनी का नाम उठाओ, जैसे वन स्टाफ मैंने ये निकाला था, पहले टेलीज निकाला था, फिर ग्रामर इलेक्ट्रिकल था, इस तरीके से कंपनी का नाम निकालो, वहाँ से डायरेक्ट उसकी साइट पर जाओ कंपनी की, वहाँ पर डायरेक्ट आपको करियर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उनका आपको ईमेल और मोबाइल नंबर मिलेगा, जहाँ पे डायरेक्ट आप उनको सीवी कवर लेटर भेजो ताकि आपको और जल्दी रिस्पांस आ सके। सो ये थी आज की वीडियो, तो हाउ टू गेट इलेक्ट्रीशियन जॉब इन न्यूजीलैंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।